इस मैच के तुरंत बाद खान क्लब निंदूरा और किंतूर तैयार रहे और अगर हो सके तो दोनों क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में आ जाए ताकि उनका टास्क कराया जा सके। खान क्लब निंदूरा और किंतूर के कैप्टन जो कि दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस स्वर्ग के फौलाद खान स्वर्ग शमसुद्दीन सलमानी एक दिवसीय डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एक सेट अपने नाम क्या है स्पाइकर क्लब बाराबंकी ने, दूसरे सेट में एक पॉइंट अभी भी पीछे है और इस बार मुसलसल कोशिश की गई थी लेकिन बॉल वापस नहीं आ सकी जिसका खामियाजा भुगता टीम ने एक अंक के रूप में। स्कोर टू ऑल। सर्विस, अच्छी सर्विस, अच्छा पास, बैक लिफ्ट की गई है बॉल और जबरदस्त है। तलहा की पहुंच से काफी दूर थी बॉल, फायदा मिलता हुआ डिवाइन पब्लिक स्कूल जरवल को। एक मिनट गेम रोक दे, बाहर कर दे इनको, शाहरुख भाई बाहर कर दे, इज्जत से बाहर कर दे, इज्जत से बाहर कर दे भाई, इज्जत से बाहर कर दे, नाराज ना हो, इज्जत से बाहर कर दे। मुसेफ भाई वॉलीबॉल संघ अध्यक्ष बाराबंकी, उनसे गुजारिश है कि वो अब तक कुर्सी थोड़ा सा पीछे कर लें। मुसेफ भाई सामान हटो, कावर हटवा के। स्कोर बढ़ता हुआ डिवाइन पब्लिक स्कूल 4 और स्पाइकर क्लब बाराबंकी 3 और मुझे अबुजर जौक जरवली के 4 मिसरे याद आते हैं कि बरत रहा हूं बहुत एहतियात काटने में, मैं मर न जाऊं कहीं ये हयात काटने में, दीवानी मत कहो इसको ये लड़की पागल है, न जाने क्या इसे मिलता है हाथ काटने में। जबरदस्त गेम का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमें। सर्विस स्पाइक क्लब बाराबंकी की जानिब से जबरदस्त सर्विस, अच्छा पास तलाक और फैज है बॉल पर। जी हाँ ये है फैज आलम, हालांकि अगर फैज की बात की जाए तो काफी टाइम से ये वाली बॉल से दूर थे लेकिन पिछले 1-2 महीने से इन्होंने वापसी की है, वरना ये फैज है जो अपनी बदौलत न जाने कितने टूर्नामेंट अपनी टीम एनएससी क्लब 13 टिकरा को जिताए हैं। फैज आलम बॉल वापस गई, एक बार फिर से मौका है डिवाइन के पास, काउंटर अटैक, जी हाँ जबरदस्त हाथ पाई अमजद भाई। डिवाइन पब्लिक स्कूल का हर जर्रा उस्ताद की हैसियत रखता हुआ, हर खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ। बात की जाए जरवल की तो एक नाम बहुत छाया हुआ है जरवल में, वो नाम है मिस्टर सईद आलम का, तो अगर वो सईद आलम यहाँ नहीं सही तो डिवाइन पब्लिक स्कूल की जानिब से 8 नंबर की जर्सी में जो सर्विस लगा रहे हैं ये भी सईद आलम है, जिसके पास जर्सी हो वो सेकेंड रेफरी आसिफ भाई तक पहुंचा दे। गावर भाई के पास थे शायद, गावर से संपर्क करें, इससे पहले रेफरी कौन था? इस्लामो सफान, इसे लगा हो ए ओमान, ओमान खान जहां गई भी भाई इनको बाहर करा दो यार, इनको बाहर करा दो, ये ग्राउंड में चले जाते हैं, बाहर लेके जाओ इनको, इधर से बाहर निकालो। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, अगर आप बदतमीजी करेंगे किसी भी तरह की बाधा डालेंगे तो अंदर कर दिया जाएगा आपको। और इस तरह से ग्रिड में ही उलझा बैठे बाल को, ओमान भाई इनको बाहर लेके जाओ यार, टिंकू अच्छा अरे बाहर ले जाओ इनको यार, टिंकू अच्छा ड्रिंक करके बदतमीजी ना करें अन्यथा यही हाल होगा। आप आए हैं इस टूर्नामेंट में, खैर मकसद है आपका, लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगे तो वो सही नहीं है। ये जरवल है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है यहाँ पर, सर्विस सईद आलम के द्वारा, अच्छा पास जीशान का, बाल पर है सेकंड जीशान,
अकबर भाई प्यार, अकबर भाई प्यारेपुर तक अगर आवाज पहुंच रही है तो वो चांद भाई से संपर्क करें, आउटर के अंदर आ जाए। और हमारे बीच मोनू भाई, शहनूर भाई जो कि प्यारेपुर से तशरीफ लाए हैं, वो इस टूर्नामेंट में अपना अहम टाइम दे रहे हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और इस बात चूंकि फैज आलम जीशान फर्स्ट और जीशान सेकेंड, एक है 9 नंबर की जर्सी में, एक 4 नंबर की जर्सी में, तीन खिलाड़ियों के बीच में बॉल गिनती हुई, यस नो में एक अंक गंवाती हुई स्पाइकर की लपारा बनती। अब सर्विस की जाएगी डिवाइन पब्लिक स्कूल की जानिब से, सर्विस बैक लिफ्ट की गई है। अकबर भाई तक अगर आवाज पहुंच रही है तो चांद भाई से संपर्क करें। अकबर खान प्यारेपुर, भाई पीछे हो जाए आप लोग, आपके पीछे भी दर्शक खड़े हैं, उनको भी देखने दें। और मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा कि इस मैच के बाद आउटर खाली करवा दे भाई, बहुत जगह है पीछे। और अच्छा पास बैक लिफ्ट, जान मोहम्मद खुद के एक्टर है टीम के, बाल पर थे लेकिन बिलाल पकड़ेंगे, बाल वापस और इस बार जबरदस्त बिलाल, चट्टानों की जानी मौजूद वहां पर दिलीप के सामने से बाल निकालना मुश्किल हो रहा है। और मुझे अरमान जरवली के 4 मिसरे याद आते हैं कि जमीन पर एक चादर आसमानी रक्स करती है, दरख्तों पर हवा की छेड़खानी रक्स करती है, उजाले जग दगा करके जग दगा देकर चले जाते हैं घर अपने, अंधेरों पर दिए की मेहरबानी रक्स करती है। और जबरदस्त गेम चलता हुआ, स्पाइकर के बाद बाराबंकी और डिवाइन पब्लिक स्कूल जरवल के बीच, इस सेट में बढ़त बनाए हुए डिवाइन पब्लिक स्कूल की टीम, 5 अंकों की बढ़त बनाए हुए इस बार जीशान, और अंपायर को मर का इशारा आउट, हल्की सी अपील, चेक है भैया कमर भाई, चेक है, अंपायर का इशारा चेक आउट, अंपायर का इशारा चेक आउट, अंपायर का इशारा चेक आउट, सर्विस तलहा की और आउट मार बैठे सर्विस। तो इस तरह से एक अंक का और इजाफा होता हुआ डिवाइन पब्लिक स्कूल जरवल 13 और स्पाइकर क्लब बाराबंकी 8। ये क्वार्टर फाइनल दूसरा मुकाबला है, इसके बाद तीसरा मुकाबला खेला जाएगा शहादतगंज और सॉरी किंतूर और किसका है खान क्लब निदूरा और जान मोहम्मद आउट मार बैठे तो अंक का नुकसान करते हुए अंक का इजाफा हुआ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हेलो, इसके बाद जो मैच होना है दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच, तीसरा सॉरी, खान क्लब निंदुरा और किंतूर के कैप्टन से गुजारिश है कि वो ग्राउंड पे आ जाए टास्क कर ले, इसके बाद उनका मैच है। खान क्लब निंदुरा और किंतूर जहां पहला सेट अपने नाम किया था वही दूसरे सेट में काफी पीछे चल रही है, इस स्पाइकर क्लब बाराबंकी है 10 और डिवाइन पब्लिक स्कूल है 14, 4 अंकों की लीड है, क्या वापसी कर पाएगी अब यहाँ से तलहा की सर्विस। फकीर भाई आगे सेट जाओ, आपका आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला राज क्लब से होगा शायद, क्योंकि वही दो टीम बची है। और इस बार चार्ज नहीं, चार्ज अभी नहीं हो जाए। और इस बार फैजाल हमले गिन चुके, बातें की गई है जीशान के लिए ड्राप वहां पर फिर मौजूद, बॉल लगातार हवा में और इस बार भी ड्रॉप लेकिन जीशान की पहुंच काफी दूर हो रहा नहीं, ये तो हरी जल नहीं रही वाला, हाँ हो जाए
और इस बार जबरदस्त स्पाइक। और काशिप भाई 17 डिवाइन पब्लिक स्कूल और स्पाइकर के लिए 11 काफी ज्यादा बढ़त बना हुआ है इस सेट में। और जबरदस्त हैंड जीशान का। और हमारे बीच ब्रादर्स जिम क्लब के अंदर मोहित और जिनकी कुछ देर में रहना के स्टेज होंगे, कमेटी उनका शुक्रगुजार है। और अल्लामा जाकिर अलवी के चार मिसरे इस लगते लफ्ज जोड़े जा रहे हैं, गजल से तीर छोड़े जा रहे हैं, घने पेड़ों से अनबन हो गई है, परिंदे गांव छोड़े जा रहे हैं। जबरदस्त गेम का प्रदर्शन करती हुई दोनों टीमें। हिंदी नहीं आती। और एक अंक का और इजाफा, आप सिर्फ 2 कदम दूर इस सेट को अपने नाम करने से डिवाइन पब्लिक स्कूल, यानी 2 अंक और। अगर इस सेट को जीतती है डिवाइन पब्लिक स्कूल तो जबरदस्त। और इस बार एक हाथ से मिला नूर के द्वारा, चट्टानों की तरह मौजूद है, तैनात है डिवाइन पब्लिक स्कूल के सेमी दिलीप और नूर। काफी मुश्किल होता हुआ इनको क्रॉस करना। और इस बार फैजालम और ग्राफ कामयाब, एक अंक का इजाफा 14 और 20, सिर्फ एक अंक बनाना है यहां से। अगर टेरेट करा कोई गलती करती है तो ये सेट गंवा देगी। और इस बार बाल हवा में तलहा है। और इस बार का एक लिफ्ट और आउट मार बैठे, जोश में होश खो बैठे डिवाइन पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी। और इस बार अच्छा पास कहा जाएगा अब इस सेट को अपने नाम करती हुई थी। अब होगा ये फाइनल मुकाबला, फाइनल सेट।